Hi and Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and warm welcome to my YouTube channel. This is me Sidraa और आज मैं जिस प्रोडक्ट पे बात करूँगी वो है हेयर ग्रोथ वाटर बाय सईद गनी. इट रेविटलाइजेस एंड नरिशेस हेयर एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट. ठीक है, और पहले तो आप इसकी बॉटल देख लें, इसकी पैकेजिंग देख लें. और इसकी बॉटल पे जनाब क्या लिखा है फ्रंट पे, तीन मेन पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं कि ये आपकी कंट्रोल डैंड्रफ, ट्रीट हेयर लॉस एंड एक्सेलरेट्स हेयर ग्रोथ. ठीक है, और जनाब इसमें मैं डिटेल में बात करूंगी. तो अगर आप जानना चाहते हैं मुकम्मल इसके बारे में, इसको यूज़ कैसे करना है, मुझे कितना फ़ायदा हुआ और इसके कैसे रिव्यूज़ थे, तो आपको प्लीज़ 6 मिनट की वीडियो कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी बड़े सब्र के साथ. अच्छा, एक सेंसिबल इंसान जब भी किसी प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है ना, तो फिर उसको कंप्लीट पढ़ता है, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल हासिल करता है कि इसके बनाने वाले इस पर क्या लिखते हैं और मैंने इसको क्यों ख़रीदा है. तो इसके इस तरफ लिखा हुआ है जी बेनिफिट्स ऑफ हेयर ग्रोथ वाटर, जो मैं आपको जल्दी से बता दूं. ये कहते हैं कि ये आपके हेयर लॉस को रोकता है और आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना उसको स्टिमुलेट करता है. नंबर 2 में इन्होंने लिखा हुआ है जनाब ये आपकी स्कल्प को नरिश करता है और आपके बालों को जो है ना स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है, आपका बाल मोटा करता है, थिक करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. फिर जनाब ये कहते हैं कि पोल्यूशन से और सन रेज से आपको हम प्रोटेक्शन देते हैं आपके बालों को. लास्ट बट नॉट लीस्ट ये लिखा हुआ है जी कि आपकी डैंड्रफ को क्योर करते हैं, और अगर आपको डैंड्रफ हो जाए वो क्योर हो जाएगी, वरना ये डैंड्रफ नहीं होने देगा. एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें. और जनाब सबसे बड़ी बात मैं हैरान हो गई थी कि आपके जो अर्ली ग्रे हेयर्स हो जाते हैं ना उसको भी प्रिवेंट करता है, और आपकी जो रूट्स वीक होती है ना उसको स्ट्रेंथ करता है. अच्छा यार, मैं बता दूँ कि मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे इतने ज़्यादा फ़वाइद, इतने ज़्यादा की पॉइंट्स, इतने बेनिफिट्स नहीं देखे. मतलब लाइक ये बॉटल चारों तरफ से आप घुमा के देखें तो ये भरी पड़ी है अपने इतने बेशुमार फ़वाइद के साथ. लाइक मैं ये सोच रही थी कि ये एक प्रोडक्ट जो कि 120 ml का हेयर ग्रोथ वाटर है, इसमें हमारे बालों का तमाम सोल्यूशन मौजूद है. लाइक अगर आपको कोई भी मसला है ना तो आप एक बॉटल ख़रीदें तो आपके सारे मसले हल. नहीं यारो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, आप जब भी कुछ ख़रीदते हैं तो आप कुछ सोच कर ख़रीदते हैं. लाइक आपको जो मसला होता है ना आप उसका सोल्यूशन चाह रहे होते हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको क्योर करना चाह रहे होते हैं, ट्रीट करना चाह रहे होते हैं. लाइक आपने अपने माइंड में अपने मसले को सोचते हुए उसके हल के लिए ही कुछ ख़रीदा होता है. अब आपने इसको क्या सोच कर ख़रीदा है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको सोचते हैं कि इससे बाल बहुत मतलब उनकी ग्रोथ बहुत स्पीडी हो जाएगी, बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे. फिर दूसरा लोग इसके बारे में सोचते हैं कि जो ग्रे हेयर्स है ना वो हमारे जो है ना शायद कवर हो जाएंगे. अच्छा, ज़ाहिर है इस पर इतने ज़्यादा फ़वायद है. लाइक बालों का कोई भी ऐसा मसला नहीं है और जिस मसले को ट्रीट ना करता हो, इसकी बॉटल खैर भरी पड़ी है. अच्छा, अंदर से इसकी बॉटल कुछ इस तरह से दिखती है और अंदर भी बेशुमार फ़ायदे लिखे हुए, बेशुमार फ़ायदे. और इसको कंप्लीट पढ़ने में भी आपको 10 से 15 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं. मैं बड़ी अमेज़ हुई थी. अच्छा, जब मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च किया, ऑफकोर्स मैं जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ पहले मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ती हूँ जाकर, मैं थोड़ा सा उसको गूगल पे भी जो है ना वो सर्च करती हूँ. और काफ़ी खैर सर्च करने के बाद मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, और फिर मुझे ये था कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छी हुई तो यार मेरे तो वारे नयारे हो जाने हैं और मेरे तो बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे. अगर ये प्रोडक्ट अच्छी ना हुई तो मैं किसी का भला कर दूँगी, और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत करें. तो खैर आप बॉटल देख रहे हैं कि इसकी पंप वाली बॉटल है बड़ी. अच्छा, बॉटल तो खैर बड़ी अच्छी है, इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल बनाई भी बड़ी मजबूत, अगर गिर भी जाए तो टूटने का कोई ख़तरा नहीं है. और पंप इसका बहुत अच्छा था, लाइक एक पंप से भी आपको अच्छा खासा जो है ना वो शॉवर मिलता है. और अंदर से मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नाकाम. और अब मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ कि व्हाट्स लुक लाइक हेयर ग्रोथ वाटर, लाइक बिल्कुल पानी की तरह. और लाइक कोई इसकी सेंस नहीं है इतनी तेज़, कोई कलर नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है. इट्स लाइक वाटर, जैसे उन्होंने लिखा मैंने हेयर ग्रोथ वाटर, वाकई बिल्कुल पानी की तरह. बहुत लाइट सा इसका अरोमा आता है, लाइक फील भी नहीं होता आपने बालों में कुछ लगाया हुआ है. और इसका फार्मूला भी उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन ग्रीसी है, और साथ में इसके मेन इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि इसमें है आंवला, भृंगराज, नीम, जटामांसी और हिना. तो खैर इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़, मैं आपको ये पहले बता दूं कि आपने जिस दिन अपने बालों को वॉश किया, लाइक शैम्पू किया, मॉर्निंग में किया, आफ्टरनून, इवनिंग, डज नॉट मैटर, रात को आपने सोने से पहले अपने आम जैसे ड्राई आपके बाल होते हैं आपने उसमें जो है ना अप्लाई करना है. ओनली इन रूट्स, नॉट इन लेंथ. ओके, आपने अपने बालों के सेक्शन बनाते जाएँ और रूट्स में इस वाटर को स्प्रे करते जाएँ, और अच्छे से अपने मतलब आपकी स्कैल्प ना गीली हो जाए, आपने इसको इतना स्प्रे करना है. और उसके बाद आपने उसको खुद ही ड्राई होने देना है. कोई इसकी इतनी तेज़ खुशबू नहीं है, लाइक इसकी बहुत लाइट सी सेंस है जो मेरा ख्याल है 5 से 6 मिनट बाद वो भी उड़ जाती है। और ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा जब ये ड्राई हो जाएगा ना कि आपके अपने बालों में कुछ लगाया। और उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, आपने अपने बाल वॉश नहीं करने हैं। नेक्स्ट डे इफ़ यू वांट टू डू शैम्पू तो आप कर लें, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बालों को धोएं, लगा रहने दें। और फिर नेक्स्ट जो नाइट होती है आप फिर इसको अप्लाई कर लें। सो आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ना ही तो इसने मेरे ग्रे हेयर्स को कवर किया, मेरे कोई बाल काले नहीं हुए, और ना ही मेरे बाल लंबे हो गए, घने हो गए, ना मेरे बाल मोटे हुए, ना मेरे बालों में शाइन आई, ना इसने मेरी स्कैल्प को नरिश किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक फ़ायदा भी अगर मुझे इससे हुआ होता ना तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करती कि आप इसको लें। इसके मेन जो 7 से 8 की पॉइंट्स बेनिफिट्स है ना, अगर उनमें से 2 या 3 को भी ये टारगेट करता ना तो मैं आपको कहती कि हाँ आप अपने 350-400 पे इन्वेस्ट करें। 300-400 की प्रोडक्ट आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे दे सकती है, मैं तो पहले ये हैरान हुई थी। और फिर मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया, मेरी बॉटल ख़त्म होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। और मैं हैरान हुई यूट्यूबर्स क्यों दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है इसमें अच्छे रिव्यूज़ देख के। तो खैर अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव।